साथियों, ये ब्लॉग आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम घूमने वाले हैं माता राष्ट्रीय उद्यान। सिंध नदी के किनारे बसा हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान चीतलों से, तेंदुओं से भरा पड़ा है। दोस्तों, यहाँ बहुत ही प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। यहाँ की सुंदरता सब जगह की सुंदरता से हटके है। यहाँ पर बीचों बीच जॉर्ज कैसल बना हुआ है और यहाँ उगता हुआ सूरज का नज़ारा सबसे सुंदर होता है। सेलिंग क्लब घूमने, बड़ी सुंदर जगह है, आप देख सकते हो। एंट्री कर चुके हैं हम, माता राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच की जगह है। और ये हमारे मुकेश भैया हमारे साथ में हैं। देखिए ये क्या सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल आपको अंदर जाके दिखाएंगे, वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन करते हैं। और ये बगल में पानी आता है, नीला नीला पानी, ये वृक्ष करदई के, और ये पूरे संसार की सबसे सुंदर जगह में आती है। इसका नाम है सेलिंग क्लब, ये माता राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच आती है। तो आज हम मैं पूरा आपको वीडियो बनाने वाला हूँ, बड़ा ही इन्जॉय करोगे वीडियो में। ये हमारे मुकेश भैया देखिए साथ में, और बड़ा ही खुशनसीब हैं हम जो इस जगह ऐसी जगह ड्यूटी करने का मौका मिला है। तो ये देख सकते हो गेट ओपन हो रहा है, क्या सुंदर नज़ारा है। वोटिंग के लिए नाव भी है। अरे वाह यार, वोटिंग के लिए नाव भी है, वोटिंग करके दिखाएंगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। आप पढ़ सकते हो, ये भी देखिए यहाँ दिया है, संकटग्रस्त ससाधन, ठीक है, आप पढ़ सकते हो पुष्कर के वीडियो। जोशी जी हैं जो बहुत सालों से माधव नेशनल पार्क में गाइडिंग का काम कर रहे हैं। तो जोशी जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश कुमार जोशी, मैं टूरिस्ट वाइल्ड लाइफ गाइड। कब से कर रहे हो? कब से कर रहे हो ये? मैं 1999 से गाइडिंग कर रहा हूँ। 1999 से? यस, मैं बांधवगढ़ टेंड हूँ, बांधवगढ़ खाना से टेंडिंग लेके आया हूँ। क्या बात है। मेरा नाम राजेश कुमार जोशी है। तो अभी आप मिले हो राजेश कुमार जोशी से, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से और कान्हा नेशनल पार्क से ट्रेनिंग लेके आए हैं, स्पेशली गाइडिंग की ट्रेनिंग लेके आए हैं कि जंगल में आपको कैसे, वाइल्ड लाइफ की ट्रेनिंग लेके आए हैं कि जंगल में जंगली जीव हैं, जंगल में बहुत सारे जो जंगल की सुंदरता होती है, जंगल की सुंदरता, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उन सब के बारे में इनको बहुत ही बारीकी से पता है, किसी को नहीं मालूम। तो और इनसे आगे जाके जानेंगे, इनकी बताता हूँ, वीडियो बनाते हैं हम। अभी कहाँ जा रहे हैं बताओ? हम माधव नेशनल पार्क के अंदर, हमारा ये भूराखो वाटरफॉल है, एक वहाँ जा रहे हैं। भूराखो वाटरफॉल, वहाँ एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, नेचुरल वाटरफॉल है वहाँ काफ़ी संख्या में। पहले एक भूरा नाम का एक टाइगर रहता था, इसलिए उस जगह का नाम है भूराखो। अच्छा अच्छा, उस टाइगर के नाम पर उसका नाम भूराखो पड़ा है। चलिए वहाँ चलते हैं और बाकी सुंदरता आपको दिखाते हैं। पेड़ रहते हैं करदई के 30,000 और 40,000 के बीच में, इसमें पेड़ बीज रहते हैं, वो सारे नीचे गिर जाते हैं। 40,000 और 50,000 के बीच के बीच में से एक ही बीज अंकुरित होता है। अच्छा, उससे ही करदई का पेड़ पैदा होता है। 40,000 बीज में से एक बीज अंकुरित होता है। अब ये जो आप जंगल देख रहे हो, करदई का जंगल है, और इसका बीज अंकुरित होने में 40,000 में से एक बीज अंकुरित हो रहा है, मतलब समझ रहे हो। पावरफुल पेड़ है ये, ओनली जलाऊ लकड़ी है, और जो डियर फैमिली के एनिमल थे उनके लिए नंबर वन भोजन है ये। अच्छा, चाहे इरन फैमिली वाले। हाँ, ये डियर फैमिली में, क्योंकि इनमें जो लीफ्स लगे हुए हैं वो छोटे छोटे मैदी कैसे लीफ्स हैं, इनको खाने में जानवरों को बड़ा अट्रैक्ट आता है, और जानवरों को छाया भी मिलती है, और इनकी जो लकड़ी है वो पावरफुल होती है, इसलिए ये जलाने के काम आती है, इसका कोला भी बहुत मजबूत होता है। क्या बात है। 7 किलोमीटर लंबा डैम है, इस डैम का नाम सत्यसागर है, और ये यहाँ लास्ट है। चलो अपने यहाँ बालू भी देखते हैं, इधर बालू बहुत ऊंचे मचाना दे उनके गड्ढे। अच्छा, बालू बारी सूत के गड्ढे कर रहे हैं जंगल में। अरे वाह यार, क्या बात। तो देख रहा हो ना, बालू देखा तो कछु नहीं आया, चलाते जाओ। पहले मैं जंगल से उतर के आया। तो कितने और मिला है? चाय जब मिल जाता है आपको? चाय जब? हाँ चाय जब। अटक वटक नहीं करता कभी? अटक क्या करेगा, उनका घर है, उसके घर में जाएंगे। कितनी संख्या तेंदुओं की? लगभग चला इसमें लगभग तेंदुओं की संख्या कितनी है? ये देखो लिटिल कार्बोनेट, ये कौन सा पक्षी है? ये लिटिल कार्बोनेट माइग्रेटरी बर्ड है, ये लद्दाख से आया अपने यहाँ। ये अच्छा अच्छा, ये लद्दाख वाला था क्या? बहुत सुंदर नजारा है, आप देख सकते हैं।
मुझे थोड़ा बताइए, नहीं तब तक बताइए देखिए उसकी बिल्डिंग के बारे में बताओ थोड़ा। बिल्डिंग ही नहीं देखी तुमने तो कहाँ बता दे। देखिए ये कैसल आप देख रहे हैं, ये कैसल 1911 में इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉर्ज फिफ्थ, उनको इनका इनवाइट किया माधर ऑफ सिंधिया ग्रैंड फादर ग्वालियर स्टेट ने कि आप हमारी सुपरी में आओ आके टाइगर का शिकार करो, उनके वेलकम में ये कैसल बनाया और बना के कंप्लीट कर दिया। और रास्ते में किंग जॉर्ज पंचम आ रहे थे उस समय, सिंधिया ने इसमें इटालियन टाइल्स बेल्जियम गिलास और इंग्लिश टॉयलेट बना के इसे कंप्लीट किया। कौन सी टाइल्स लगाई थी? इटालियन टाइल्स बेल्जियम गिलास और इंग्लिश टॉयलेट बना के इसे कंप्लीट किया 1560 फुट 448 मीटर की ऊंचाई पे। क्या बात। वहां से रास्ते में किंग जॉर्ज शिफ्ट आ रहे थे, आते आते रास्ते में उन्होंने एक टाइगर मारा, वही टाइगर को उन्होंने शूट किया और वो वहीं से वापस हो गए। उसी समय से ये महल खाली पड़ा रहा और इसके अंदर कुछ नहीं था, लेकिन 100 एस के बाद में एक CCFI चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मिस्टर शरद गौड़, उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इसका केयर किया, इसका केयर करके सीधा बजट बना के भोपाल भेजा। भोपाल से 52 लाख रुपए पास होके आया और इसमें एक माधव नेशनल पार्क शिवपुरी जिले का पूरे पर्यटक स्थलों का एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बना के रखा हुआ है। आइए सर इसे आप देखिए और इसका आनंद लीजिए। क्या बात है। ये 1911 में जब हमारी राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी उस समय जॉर्ज पंचम जी को बुलाया गया था और ये बात क्या उसी समय की बात है। उसी समय 1911 में इंडिया गेट, तो उसके बाद में इंडिया गेट, उसके बाद में फिर किंग जॉर्ज कैसल, किंग जॉर्ज उसी समय के बने हुए, जॉर्ज पांचवें नाम के वो थे, तो इस कोटी उन्हीं के लिए बनाई गई, इसलिए उसी को जॉर्ज कैसल बोलते हैं। कैसल का मतलब होता है भवन। एक गार्ड साहब आप एक बात बताइए, लगा दिया लेकिन किंग जॉर्ज पंचम नहीं आए, उन्होंने रस्ते में एक टाइगर मारा और वहीं से वापस हो गए। वहीं से उसी समय से ये कैसल खाली पड़ा था और ये हम आ चुके हैं अभी तालाब के किनारे और यहाँ सबसे ज्यादा जानवर देखने को मिलते हैं। आप देखिए ये तालाब है, अभी आपको और अच्छे से दिखाते हैं, तालाब आपको दिख रहा होगा, उसके पास चलते हैं और आपको जंगली जानवर दिखाते हैं। ये देखिए जो पड़े हैं, कितनी हड्डियाँ पड़ी हैं जंगली जानवरों को किल किया है, तेंदुए बहुत ज़्यादा संख्या में है इस नेशनल पार्क में। ये देखिए घास के मैदान आप देख पा रहे होंगे, इसमें लेपर्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये उनके शिकार करने के लिए सबसे अच्छी जगह है शिकार करने की। वो देखिए वहाँ पे चीतल है, वो ये देखिए कितनी मीटिंग लगी हुई है, देखो चीतल उनके पीछे, चीतल है और देखो लंगूर, देखो पीछे उनके पीछे चीतल है, आपको दिख रही होगी वो, देखो चीतल वो खड़ी है वहाँ, देख पा रहे होंगे क्या सुंदर नज़ारा है वो, देखो वहाँ चीतल। और भैया जंगली जीव आपको दिखाता हूँ, बने रहिएगा। वो जो चीतल चीतल ये देखिए कितनी चीतल है, आराम से स्लो, कितनी चीतल चल रही हैं आप देख सकते हो, लंगूर चीतल एक जगह, बच्चा भी है साथ में, बच्चा दूध पी रहा था अभी। क्या बात है, क्या बात है, सही नहीं आ पा भाई। सुंदर सुंदर पक्षी उड़ रहे हैं, देख सकते होंगे वो, देखिए नीलगाय दिख रही है, देखो वो कैसल पानी पी रही है, जंगली जीव यहाँ आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, यहाँ मगर भी बैठे होंगे दो चार, तो ये देखिए पक्षी 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 कितने पक्षी है, माइग्रेटरी चिड़िया है जी, कौन सी चिड़िया है, अच्छा देखो नीलगाय पानी पी रही है, देख सकते हो जी, स्ट्रीट वर्ल्ड, अच्छा अच्छा क्या बात है। वो देखिए वो पेड़ के यहाँ मगरमच्छ है, सुंदर जगह है, देखिए ये है तालाब और वो उधर हम अभी थे, मैंने आपको दिखाया है उधर बनी है वो कोटी और वहाँ पर मगर वो लेटा हुआ है उस पेड़ के पीछे, आप देख रहे हो उस पेड़ के पीछे वो मगर पड़ा है, जस्ट दो मगर पड़े हैं
और ये यहाँ पर इतने मतलब जो बाहर से माइग्रेट करके पक्षी आते हैं वो यहाँ बहुत सारे पक्षी हैं। तो दोस्तों ये देखिए बोर्ड के आ रहा है एक पक्षी, आप देख सकते हो, ये देखिए ऊपर पक्षी, ये सब माइग्रेट पक्षी हैं क्योंकि यहाँ नेशनल पार्क में और आपको मिलते नहीं है देखने को। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल इतना ही, तो और अच्छी वीडियो आपको दिखाता हूँ पूरा एंड पे जॉर्ज कैसल वहाँ जो हमारी सॉरी चांद पाटा पर चल के फिर वहाँ से हम आगे की जो भी है वो हम करेंगे। तो दोस्तों आज के इतना ही। गया मगरमच्छ पानी में भाई साहब, वो कहा नहीं गया मगर पानी में, मगरमच्छ पानी में। ये जो देख रहे हो आप सेलिंग क्लब, और ये है मैस जहाँ हमारा खाना तैयार हो रहा है। ये देखिए गौरव शर्मा जी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए बाहर का एरिया। तो भाई साहब क्या खाना चल रहा है गौरव? और जी मेरी थाली है, ये देखिए दोस्तों इससे अच्छा खाना क्या हो सकता है। चांद पाटा और ये पीछे मैस है, और यहाँ चल रहा है खाना। और कमरे, ये गेस्ट रूम है आप देख सकते हो, पूरा मच्छर अच्छर की सब व्यवस्था है, एसी वगैरह। कभी आइएगा, बहुत अच्छी जगह है ना। चल चल तो दोस्तों पूरा वीडियो आपको दिखा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।